Subscribe my channel and press the bell icon for daily recipe. अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मैरू में हाज़िर हूँ। आज मैं आपके लिए बीफ चप्पल कबाब की रेसिपी लाई हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 kg बीफ कीमा। इसको अच्छी तरह से मैंने खुश कर लिया, इसमें पानी मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर आप गोश्त लेके उसका कीमा कर रहे हैं तो गोश्त को धोकर खुश करके फिर उसका कीमा करें। 1/2 kg बीफ का कीमा लिया है, 8 से 10 अदद हरी मिर्चें बारीक चॉप कर लें, लहसुन अदरक पेस्ट 1+1/2 टेबल स्पून, मकई आटा 3/4 कप, 3 मीडियम साइज़ प्याज बारीक चॉप किए हुए, इनका भी पानी खुश कर लेना है, 2 से 3 अदद मीडियम साइज़ टमाटर बारीक चॉप किए हुए, 1/2 कप बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया, घी 2 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून, मोटी कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, मोटा कुटा खुश्क धनिया 1+1/2 टेबल स्पून, नमक हसबे जायका रखें, अजवाइन 1+1/2 टी स्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टी स्पून, 1 अदद अंडा। 2 अदद अलग से अंडे लिए हैं, इनका मैं ऑमलेट तैयार करूँगी। आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इन अंडों को मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी। पैन में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है, ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें अंडे डाल दें। इन अंडों का हम सिंपल ऑमलेट तैयार करेंगे, इसमें कोई नमक मिर्च ऐड नहीं करनी। स्पून की मदद से इसे थोड़ी देर बाद मैं हिलाना शुरू कर दूँगी। इस तरह से मिक्स कर लें और साथ साथ पलट दें ताकि दोनों तरफ से पक जाए। मीडियम फ्लेम पे हम ऑमलेट तैयार करेंगे। थोड़ा सा चम्मच की मदद से तोड़ लें, इसके बाद इसे अलग प्लेट में निकाल के साइड पे रख दें। 1 अदद बड़ा बॉल ले लें, उसके बीच में तमाम कीमा डाल दें, लहसुन अदरक पेस्ट और हरी मिर्चें चॉप की हुई, दड़ा मिर्च, मोटा कुटा धनिया और बाकी के तमाम मसाले डाल दें। नमक और मिर्च को अपने जायके के मुताबिक आप या कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चॉप किया हुआ प्याज डाल दें। जो प्याज इसके बीच में डालेंगे जब आप चॉप करें तो इसका पानी अच्छी तरह से खुश कर लें, प्याज में पानी मौजूद नहीं होना चाहिए। इसके बाद मकई का आटा डाल दें, चॉप किए हुए टमाटर डाल दें और हाथ की मदद से इसे अच्छी तरह मसल कर मिक्स कर लें। अब इसमें घी ऐड कर दें, 1 अदद अंडा डाल दें और हाथ की मदद से मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके बीच में चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल दें। हाथ की मदद से अब हमें कीमे को बहुत अच्छी तरह से मसल मसल कर गूंदना है। जितना अच्छा कीमे को गूंदेंगे, इसकी नीडिंग अच्छी होगी, उतना ही अच्छा चप्पल कबाब बनेगा। कबाब के लिए आप जो भी गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं, कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें पानी मौजूद नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से मैं इसको गूंद लूँगी। अच्छी तरह गूंदने के बाद इसके बीच में मैं ऑमलेट डाल दूंगी जो मैंने बना के साइड पे रख दिया था। ऑमलेट डाल के हमें हाथ की मदद से इसे मिक्स करना है। चप्पल कबाब का कीमा बिल्कुल तैयार है। अब मैं कबाब बनाना शुरू करूंगी। थोड़ा सा मैंने ऑयल रखा है अपने पास, हाथ थोड़े से ग्रीस करके थोड़ा सा मिक्सचर लूंगी और इस तरह से हाथ पे फैला के चप्पल कबाब की शेप दे लें। जिस साइज़ के भी आपको बनाने हैं उस साइज़ की आप शेप दे लें। पैन में आप हसबे ज़रूरत ऑयल डाल दें। मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, नॉन स्टिक पैन लिया है। मैं कुछ नॉन स्टिक में बनाऊंगी और कुछ तवे पे बना लूंगी। अब इसके बीच में कबाब डाल दें और मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना शुरू कर दें। फौरन कबाब को हमें पलटना नहीं है, थोड़ी देर बाद हम इसकी साइड पलट देंगे जब एक साइड पक जाएगी।
अब इसे मैं पलट दूंगी। इस तरह से आप पलट पलट कर दोनों साइड्स को पका लेंगे। मीडियम से थोड़ी कम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसे पलटते रहेंगे। जब कबाब दोनों तरफ से अच्छी तरह पक जाए तो इसे अलग प्लेट में निकाल के रख दें। इसी तरह अब मैं दोबारा से थोड़ा सा मटेरियल लूँगी। जितना आप इसे बनाना चाहते हैं बड़ा, उतना मिक्सर अपने हाथ पे लेके कबाब की शेप देके फ्राई कर लें। तेल गरम होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे पलट कर पकाते रहें। जब ऐसे कबाब पे कलर आ जाए तो इसे निकाल के प्लेट में रख लें। कुछ कबाब मैं तवे पे फ्राई कर लूँगी। इनको आप ग्रिल पैन में, फ्राई पैन में या तवे पे किसी भी चीज़ में आप फ्राई कर सकते हैं। तमाम कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। मज़ेदार चप्पल कबाब बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। दही के रायते या किसी भी चटनी के साथ इसे सर्व करें। इस रेसिपी को आप ज़रूर घर पर ट्राई करें, बहुत टेस्टी बनते हैं ये। मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।